वो देखो लेबर लगाई हमने, तीन लोग रखे हमने लेबर के लिए, दिन रात माँ तेरी है। कैसे हैं? ये देखो भाई घर की मूली, वाह। ये देखो मजदूर, जय जवान जय किसान, वाह। आज मैडम हो चुकी है लेट। फ्राइड चिकन, हाँ, उसके बाद ग्रेवी चिकन हो गया, फ्राइड ग्रेवी और तंदूरी। बता सच सच कहाँ जा रहा है? तेरे सारे रिश्तेदार, तेरे भाई बहन देखेंगे इस वीडियो को, बता कहाँ जा रहा है। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आज राहुल व्लॉग्स। और आज मैं लगा हूँ बीवी की सेवा करने में, ठीक है, पति धर्म निभाने में लगे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए कहाँ जा रहा हूँ मैडम, बताना जरा। साल में एक बार जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए, और सौ बार सुना दिया है मुझे कि मैं छोड़ने जा रहा हूँ, वो भी जगती तक, कटरा तक नहीं, जगती तक, हमारे घर से जो 10 मिनट का रास्ता है। तो छोड़ने तो जा रहा हूँ ना भाई, अपने सारे साल में एक बार अपने काम गिन के दो बार अपने सारे काम छोड़ छाड़ कर आज कोई काम नहीं था, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, आज सैटरडे को मेरा छोड़ चलता है भाई, ठीक है। स्टिल देखो बीवियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पति चाहे जो मर्जी उनके लिए करते रहे। खैर आप लोगों के लिए मेरे पास एक मैसेज है, अगर आपके घर पे नन्ही सी परी और अगर उसका उसकी पहली लोहड़ी आने वाली है तो देखिए लोहड़ी का त्यौहार आने वाला है और आप सब जानते हैं कि बिग एफएम हमेशा कुड़ियों की लोहड़ी सेलिब्रेट करता है विद फीमेल चाइल्ड। अगर आपके घर पे भी नन्ही सी परी है और अगर ये होने वाली उसकी पहली लोहड़ी, तो फिर आपको क्या करना है, आपको हमें मैसेज करना है और मैं व्हाट्सएप नंबर 9796000927 यस 9796000927 यहाँ पर आपने आपका नाम, आपकी पीएचडी का नाम और आप जम्मू के किस एरिया में रहते हैं, बिकॉज हम जम्मू एरिया ही कवर करते हैं, आगे पीछे वाला एरिया नहीं कवर कर पाते। तो यस किस एरिया में आप रहते हैं, आपने ये सब चीज़ें डिटेल्स हमें व्हाट्सएप करनी है और तभी अगर आपकी बेटी की पहली लोहड़ी है तो, अगर आपकी बेटी की एज 1 साल से कम है तो, अगर ज़्यादा तो फिर हम नहीं करते, बिकॉज वी ओनली सेलिब्रेट द फर्स्ट लोहड़ी ऑफ योर गर्ल चाइल्ड। और साहब मौसम देखिए बाहर धुंध वाला, और आज ना सबसे ज़्यादा पॉइंट ये है कि आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है भाई, ऐसा नहीं हो सकता, आपको पता नहीं अभी हुआ क्या है। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर, मुझे पता नहीं था सीरियसली, मैंने यहाँ पर गाड़ी ही पार्क करी हुई है, हमें भी चलेगा वो यहाँ पे नो पार्किंग, वो है तो गलत है वैसे अब, लेकिन 2 मिनट छोड़ के मैं निकल जाऊँगा यार। शर्म नहीं आई अपने पति की बेइज्जती करते हुए, हैं शर्म नहीं हल्की सी भी, हैं पूरी दुनिया को बता रही है। मैं चाहती हूँ बेइज्जती करना, मुझे बड़ा मजा आता है। कहाँ लिखा है नो पार्किंग भाई? इधर ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, उधर से पकड़ के क्यों ला रही हो, इधर से भी लिखा हुआ था। तो हम यहाँ पार्क नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 मिनट के लिए खड़ी कर रहे हैं, उसके बाद इसको बाय बाय करके हम निकल जाएंगे। और देखो भाई क्या जबरदस्त है, ये है आईआईटी जम्मू लिखा हुआ, यहाँ पर बहुत से फूड आउटलेट्स हैं इस साइड, इस साइड और उस साइड तो बहुत ही ज़्यादा। आज मैडम हो चुकी है लेट, कुड़ी लेट हो गई, अब क्या करेगी? पति छोड़ के आएगा कटरा? पति नहीं छोड़ के आता, इतना भी सही पति नहीं है भाई, अभी आएगी गाड़ी, अभी आएगी, अभी आएगी गाड़ी यार, अभी आएगी। देख यार पहले एक चीज़ मुझे बताना, कह रहा भाई ऑयल टैंकर ऐसे ही आते हैं, लेकिन पहले इस तरह के ट्रक आया करते थे लोड कैरियर वाले, आजकल ये वाले बंद हो गए, वो बिल्कुल सफेद सफेद बोल रहा हूँ, बिल्कुल सीधे टाइप ना, वो आना स्टार्ट हो गया। तू कहाँ जा रहा है? बता सच सच कहाँ जा रहा है? तेरे सारे रिश्तेदार, तेरे भाई बहन देखेंगे इस वीडियो को, बता कहाँ जा रहा है, बिना बताए घर वालों को कहाँ जा रहा है, कहाँ पे? तो भाई मैडम को कर दिया हमने ड्रॉप और मैडम चले गए हैं ऑफिस। एंड यार मैं सोच रहा कि गाड़ी धुलवा दूँ, ऑल दो मैं प्रेफर करता हूँ कि गाड़ी ना घर पे खुद धोऊँ, बिकॉज मुझे लोग गाड़ी धोते हैं ना, मुझे उनकी मतलब धुलाई कोई खास पसंद नहीं आती, तो मैं मोस्टली लाइक 99% टाइम्स ना अपनी गाड़ी खुद धोना ही पसंद करता हूँ। अगर आप लोग व्हाट्सएप पे नहीं हो तो फिर आप फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हो, 92.7 बिग एफएम जम्मू हमारे इसी पेज पे जाकर आप लोग मैसेज कर सकते हो, अगर आप कुड़ियां दी लोहड़ी के लिए रजिस्टर करना चाहते हो। और अगर फेसबुक पे भी नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे जाकर rj.rahul.official दैट्स माय इंस्टाग्राम हैंडल, वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। बता दूँ कि हम लोग सारी एंट्रीज में सेलेक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है, बट कुछ हम लोग सिलेक्ट करते हैं एंड इसमें सिफारिश कोई नहीं चलने वाली। तो जो लोग मुझे पर्सनली कहेंगे ना कि भाई ऐसा कर दो वैसा कर दो, देखो यार ऐसा नहीं हो पाता। अभी मैं जा रहा हूँ अपने प्लॉट में, वहाँ पर जाकर आज गाड़ी ना अच्छे से मैं धोने वाला हूँ, बिकॉज आज एक दो बाल्टी से गाड़ी धुलने वाली, तो प्रॉपर से अच्छे से साफ़ करना है। तो अपने घर के पास ही ना हमने प्लॉट लिया हुआ है 10-12 मरले का, तो ठीक रहता है, वहाँ पर हमने थोड़ी बहुत खेती भी करी है, तो आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या खेती करी हुई है। वैसे यहाँ पर आगे पीछे बहुत से प्लॉट्स खाली हैं, अगर कोई लेना चाहता है तो मुझे मैसेज कर देना,
रेट्स लेकिन यहाँ पर थोड़े अब ज्यादा ही पहुँच गए यार। एंड ये है हमारा वाला प्लॉट एंड देयर माय मदर फादर। वैसे इतनी गंदी लग नहीं रही है लेकिन आप अगर आप पास देखोगे ना तो फिर आपको लगेगा कि यार गंदी है। पकड़ो मेरे घर वालों को ना मेरी गाड़ी धोने से बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अभी बोल रहे हैं इन्हें गड्डी तो ही करेड़ी है। लाओ जी लाइट ही बंद हो गई, नज़र लगा दी। आ गया आपको मज़ा आ गया होगा ने, लाइट बंद हो गई और क्या। आप बोल रहे करेड़ी ना गड्डी तो ही है। ओए छोटू उसका तुरू ये है हमारा प्लॉट लेकिन मुझे पता नहीं कि यहाँ क्या क्या लगा हुआ है। तो जिसको पता हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये कौन सी सब्जी है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है भाई। तो चार पांच तरह की चीज़ें, ये मेरे ख्याल से तो प्याज है, यहाँ तो थूम है और ये क्या है इसका कोई आइडिया नहीं है। ये शायद मूली है, वो देखो लेबर लगाई है हमने, तीन लोग रखे हमने लेबर के लिए, दिन रात माँ तेरी तो दिन रात काम करते रहते हैं ये लोग। देखो हमारे यहाँ पर प्लॉट में वहाँ पर फूल वो बड़े किसान छोटे किसान लोग वहीं से कह रहे हैं हेलो गाइस वेलकम टू माय व्लॉग। देखो पास से देखता हूँ कर क्या रहे हैं। तो ये देखिए इसे कहते हैं, इसे सरिया कहते हैं पापा। ये क्या गठक है, ठीक है साग कड़म मूली मूली आएगा वहाँ पे इसमें। ये देखो भाई घर की मूली, वाह ये देखो मजदूर, जय जवान जय किसान। वाह मजदूर नहीं मालिक, मालिक वही मालिक मजदूर एक ही बात है। वर्क लाइक अ कूली लिव लाइक अ किंग। ये देखिए भाई लगाना पड़ेगा मुझे वो नीचे छतरी। लाइट आ गई बाबू एंड इट्स टाइम टू वॉश दी कार। इससे पहले लाइट चली जाए, वैसे एक बार आ जाने फिर लाइट जाती नहीं इतनी जल्दी। सो नाउ द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग माई कार इज कम्प्लीट। आप देख सकते हैं कि गाड़ी अब अच्छे से चमचमा रही है, दिखाता हूँ आपको यार। ये देखिए भाई साहब मेन चीज़ सबसे रहती ना कि लोग अलॉय पे फोकस नहीं करते, तो जो टायर होते हैं ना वो अच्छे साफ करें होते हैं। एक बार आपको टायर अच्छे साफ हो जाए ना उससे गाड़ी थोड़ी सी ऊपर साफ हो जाए तो देखो क्या ज़बरदस्त लगती है। देखो यार गाड़ी में ना बैक कैमरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मेरी गाड़ी में सियाज है ना बैक कैमरा इज़ वेरी क्लियर। अभी निकालते हैं गाड़ी और चलते हैं घर की। और तो मैं कह रहा था कि बैक कैमरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसे अभी आगे देखिए स्क्रीन पर और मुंडी पीछे घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारा व्यू आपको यहाँ से दिख जाता है। यू नो जैसे मैं वापस रूम में पहुँचा तो पार्सल वाले भैया का फ़ोन आ गया कि आपका पार्सल आ गया है और ये है पार्सल। उसमें क्या है, इसमें आईफोन 13 प्रो का ना कवर है। तो यार ये कवर आया है और बिल्कुल बेसिक सा कवर है, तो चलो 100 रुपये में और मिलेगा भी क्या, 110 रुपये का था ये। तो दिस इज़ अ कवर बट आई एम नॉट श्योर कि इसे यूज़ करने भी वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ। इससे पहले मेरे पास जो कवर है ना तो वो ये है, दिस इज सॉलिड वन यार। और इसके अलावा 2-3 कवर और हैं, फैंसी कवर्स हैं मेरे पास। आई वांट थोड़ा सा यूनिक मैं चाहता था बट मिल नहीं रहा यार आईफोन 13 प्रो का कवर ना। सो मैं एक रील बना रहा था एंड दैट्स माय सेटअप और वहाँ पर ट्राइपॉड मैंने लगाया। रील कैसे आप इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर देख सकते हैं rj.rahul.official। और अभी जा रहे हैं मैडम को लेने हाईवे पे। भाई मैंने और वाइफ ने ना डिसाइड किया था कि अब से हम हफ्ते में ना सिर्फ एक बार ही जंक फूड खाने वाले हैं, तो अभी तक ये हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन था। आई नो कि ये पूरा नहीं हो पाएगा तो अभी तक, लेकिन इस हफ्ते में पहली तारीख को हमने मोमोज खा लिए थे और अभी पूरे 7 दिन हमने कुछ नहीं खाया है। तो आज हम डिसाइड करेंगे आज हम फिर से मोमो खाने वाले हैं। हालांकि हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है, इट इज 7th बट देन इतना चलता है। जैसा आपको वीडियो में ब्लू स्काई दिख रहा है ना वैसा ओरिजिनल में है नहीं है, बट आईफोन के फिल्टर्स का कोई मुकाबला नहीं है। आई मीन अभी रॉ वीडियो कोई फिल्टर्स में लगा नहीं है पर स्टिल आप देखो कि ये आपको ब्लू स्काई दिखा रहा है, बाहर ऐसा नहीं है फिलहाल। जस्ट अभी पापा की कॉल आई एंड ही वाज सेइंग कि आते टाइम मछली ले आना।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਗਿੱਜਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਖਾਣੇ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾੜੀ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹ ਗਿੱਜਦੇ ਨੇ ਮੋਮੋ ਖਾਣੇ ਤੇ ਆਉਂ ਸਿਰ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੋਮੋ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨੋਨ ਵੈਜ ਮੋਮੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦ ਯਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਬਟ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾ ਉਹ ਚਟਨੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਿਯੋਨੀਸ ਵੈਸੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੋਮੋਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੈਸਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਰਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲਤਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸੰਜੇ ਮੋਮੋਜ਼ ਅਗਰ ਯਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਬੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਯਾਰ ये जो रास्ता ना भाई ये कनेक्ट करता है हाईवे को नगरोटा से ना जट्टी मोड़ यहाँ से इसका रास्ता बर्तन बिल्कुल सुनसान रास्ता है तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ हाईवे पे और यह है एसएस फास्ट फूड यहाँ पर अभी हम खाने वाले हैं मोमो गाड़ी को लगाते हैं साइड पे आई थिंक इट्स गुड तो चलिए जी चलते हैं वो बैठी है हमारी लाड़ी पुगलू बन के लग गई थी मोमो खान भाई ये बड़ा सजाया हुआ है उन्होंने ये क्या क्या ये मुझे बताना ये क्या है मशरूम चिल्ली चाप ये लड्डू ये कुरकुरे मोमो ये मशरूम ये पनीर चिल्ली पनीर ये मंचूरियन ये फ्रेंच फ्राई तो भाई आ चुके हैं पनीर मोमो तो क्या बढ़िया दिख रहे हैं यार सेकंड प्लेट भाई एकदम झक्कास सच कह रहा हूँ जैसे मैंने एक बाइट मुंह में डाली ना लिटरली मजा आ गया कैसे हैं आज बहुत ही जबरदस्त बनाए भाई क्या कर रही है कर रहा है एंड लुक एट द साइज ऑफ द मोमो यार छोटा मोमो नहीं है साइज मोमो का बड़ा है तो 10 पीस आपको मिलते हैं तो इट इज गुड यार मोमो खाने के बाद अब हम आ गए हैं नगरोटा बाजार यहां से लेनी है पापा के लिए मछली और मछली कहां मिलती है मुझे कोई खास आइडिया नहीं पापा ने बोला कि वाइन शॉप के आसपास वाइन शॉप कहाँ पे वो मुझे पता है देखो पापा सामने वाइन शॉप और यहाँ पर मछली यहाँ कॉम्बिनेशन है तो ये कौन सा चिकन है ये पोटा कलेजी पोटा की सारी पोटा कलेजी है और ये तंदूर नहीं ये तंदूरी ये है फिश आपने बोनलेस रखी होती है दूसरी वाली भी है अच्छा टाइमिंग क्या आपके बंद होने की टाइमिंग साढ़े नौ तो भाई यहाँ पर आपको चिकन चिकन कौन कौन सा मिलता है चिकन तीन किस्म का कौन कौन सा फ्राइड चिकन हाँ उसके बाद ग्रेवी चिकन हो गया फ्राइड ग्रेवी और तंदूरी तंदूरी चिकन अच्छा ये नंबर है तो आप यहाँ पर आकर पहले कॉल भी कर सकते हैं आपका ऑर्डर पहले तैयार हो जाएगा यार मुझे इतने ज़्यादा फ़ोन आते हैं ना वो इस चक्कर में भूल गया कि मैच चल रहा है इंडिया और श्रीलंका का और सूर्य कुमार यादव भाई मैंने अभी देखा 76 पे एंड इन जस्ट 32 बॉल्स तो भाई अंत जाकर मैच देखने वाला हूँ सबसे पहले तो भाई दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग तो मैच अभी चल रहा है सो अभी के लिए चलते हैं और टू ऑल द व्लॉग को बता दूं कि कल है रुचिका मेकओवर बिग लाफ्टर सीजन 5:30 PM ऑनवर्ड्स जम्मू क्लब ऑडिटोरियम और अंकिता श्रीवास्तव आ रही हैं टू एंटरटेन द पीपल ऑफ जम्मू टू एंटरटेन यू पीपल तो फिर आप सब लोगों ने भी वहाँ पर पहुँचना ज़्यादा डिटेल्स की आपको हमारा फेसबुक पेज विच इज़ 92.7 बिग एफएम जम्मू यहाँ पर हमारे इंस्टाग्राम पेज पर 92.7 बिग एफएम जम्मू वहाँ पर जाकर भी डीएम कर सकते हैं टिकट्स के लिए और टिकट्स बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं ज़्यादा महंगी नहीं है तो सी यू गाइस ओवर देयर अभी के लिए चलते हैं टेक केयर बाय बाय सी यू